हेलो स्टडी विद जसमीत, दिस इज जसमीत कौर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन, जो कि सीटेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लोग क्या करते हैं, हम मोस्टली इस टॉपिक को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक है एकदम, जिससे आपके कॉन्टेंट वाले जो क्वेश्चन हैं 15 मार्क्स के, वो बहुत ईजिली हो सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में समझेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट पहले डेवलप करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशन का और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर रखे हैं, तो आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में सबसे पहली बात कि अगर हमें टॉपिक का हमें वो डेवलप करना है, सब्ट्रैक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो उसके हमें 4 एस्पेक्ट्स जो है वो देखने पड़ेंगे। कि 4 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। सब्ट्रैक्शन हम यूज कहाँ करते हैं, हमें फर्स्ट तो ये चीज देखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका टेकिंग अवे। टेकिंग अवे यानी कि अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये पढ़िए। अ मैन हैज 7 शर्ट्स, ही गिव्स 3 शर्ट्स टू अ पुअर मैन, हाउ मेनी शर्ट्स आर लेफ्ट विद हिम। यानी कि हमने एक मैन था, उसके पास 7 शर्ट्स थी और उसमें से हमने 3 ले ली, तो कितनी बची? तो क्या करा हमने, ले लिया कुछ, ठीक है। तो ले लिया तो यानी कि क्या हो गया, टेकिंग अवे, हमने ले लिया उससे। तो इसके अंदर क्या यूज होगा, इसके अंदर सब्ट्रैक्शन यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंपेरिजन। मधु हैज 5 स्कर्ट्स एंड हर फ्रेंड हैज 3 स्कर्ट्स, हाउ मेनी मोर स्कर्ट्स डज मधु हैव देन हर फ्रेंड। अब इसमें हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं कि मधु के पास 5 स्कर्ट्स थी और उसकी फ्रेंड के पास जो है वो 3 स्कर्ट्स थी। तो और कितनी ज्यादा स्कर्ट्स, कितनी ज्यादा जो स्कर्ट्स है वो मधु के पास है उसकी फ्रेंड से, तो हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेरिजन के लिए हम जो है वो यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन। कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन क्या है, सौरभ हैज 9 टॉयज, भानु हैज 5 टॉयज, हाउ मेनी मोर टॉयज मस्ट भानु टेक टू हैव द सेम नंबर ऑफ टॉयज एज सौरभ। अब इसके अंदर क्या है कि और कितने ले वो, और कितने ऐड करे, सौरभ के पास 9 टॉयज हैं और भानु के पास 5 टॉयज हैं, ठीक है। तो भानु कितने और ले, यानी कि और कितना ऐड करे, कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन, और कितना ऐड करे कि उसके पास भी सौरभ जितने टॉयज आ जाए, ठीक है। तो इसकी इस केस में भी हम क्या करते हैं, एडिशन, वो सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है, ललित हैड 16 पेंसिल्स यस्टरडे बट टुडे ही हैज 6 पेंसिल्स ओनली, हाउ मेनी पेंसिल्स हैज ही लॉस्ट। अब उसके पास कल जो थी वो 16 पेंसिल्स थी ललित के पास, और पर लेकिन आज जो है उसके पास सिर्फ 6 पेंसिल्स बची हैं, ठीक है। तो कितनी उसने लॉस्ट कर दी, कितना रिड्यूस हो गया, रिडक्शन यानी रिड्यूस होना, कितना कम हो गया। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, तो वो बात याद रखेंगे। कहीं बार क्या होता है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हमें यही नहीं समझ में आता है इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कुछ हम इससे रिलेटेड जो हमारे सीटेट में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने यही है कि ये नंबर दे दिया माइनस ये माइनस ये, तो यानी कि इतने में से, जैसे सपोज एक हमारे पास एक इतना इतना बड़ा एक हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है, तो उसमें से हमने इतना भी निकाल लिया और इतना भी निकाल लिया, तो कितना निकाला, तो इन दोनों को ऐड करके हमने ये सारा निकाल लिया ना, ठीक है। तो यानी कि ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, तो इन दोनों को ऐड करो और इसमें से माइनस करो, ठीक है। और दूसरा मेथड अगर मैं बताऊं तो माइनस यहां अगर हमारा कॉमन आ जाता तो अंदर का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। 3824 और क्या है 75280, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 और ये 11, ये 8 और ये 9 7, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब किस में से माइनस करना है, इस नंबर में से इसको माइनस कर देंगे, 873827 और क्या माइनस करना है, 104 और ये 9 ये 7, ठीक है। तो 7 माइनस 4 माइनस करना है, याद रखना, कई बार इसमें भी गलती कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 7 माइनस 4 क्या है, 3 2 7, 13 माइनस 9 क्या होगा, 4 और यहां 6 बचेगा, तो ये क्या आया, 9 7, तो 7 9 4 7 2 3, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा है, सी पार्ट है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। अब ये हमें डेसिमल्स के दे रखे हैं, तो इसमें हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 87 बड़ा है, ये बड़ा पहले तो ये चेक करना है, 87 बड़ा है, चाहे इसमें वो डिजिट्स ज्यादा हैं पर पॉइंट के बाद है, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाला देखते हैं हम कि कौन सा बड़ा है, तो पॉइंट से पहले वाला कौन सा बड़ा है, 87 बड़ा है। तो 87.13 70.007,
ठीक है, यहाँ जीरो लग जाएगा अगर कुछ नहीं है तो। अब इसको माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है हमेशा, याद करें एडिशन में भी यही है और सब्ट्रैक्शन में भी यही केस है। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, थ्री आ जाएगा और यहाँ पर टू, 12। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा 7 और ये 1, तो 17.123 जो कि कौन सा आंसर है, जो कि हमारा बी पार्ट है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ 22/40 एंड 18/30। तो सबसे पहली बात तो हमें डिफरेंस निकालना है, तो हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बड़ा छोटा हम कैसे बता सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर, बड़ा छोटा हम ऐसे तो नहीं बता सकते। बड़ा छोटा बताने के लिए हमें इनको वो एक ही यूनिट में होने चाहिए, यानी कि इनका जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम होने चाहिए। कौन सी टर्म्स होनी चाहिए, लाइक टर्म्स होनी चाहिए। अभी कौन सी है, अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स वो होती है जो कि जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है, लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिनका डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग होता है। अब इसमें अलग अलग है, इसको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 40 और 30 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 2 से करो यह आएगा 20, 15, फिर ये 2 से 10 और ये 15, 5 से करेंगे तो 2 और ये 3, 2 और 3 से अब करना पड़ेगा हमें। ठीक है, बाकी 1-1 आ जाएगा, तो क्या बचा, ये क्या आया, ये 2 2 4 और 4 3 12 हो गया, 4 3 12 और 10 हो गया 120। ठीक है, 120 इसका एलसीएम आ गया, तो 120 हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 120 को डिवाइड करेंगे अगर हम 40 से तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 × 22 66 माइनस, फिर क्या है आगे, 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 120 को हम 30 से डिवाइड करें 4 आएगा, तो 4 18 × 4 करेंगे तो क्या आएगा, 18 × 4 करके देख लो, 8 4 32, 4 1 4 72। तो 72 बड़ा है या 66 बड़ा है, 72 बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, तो 72 माइनस 66 करेंगे। ठीक है, 72 माइनस 66 अपॉन में 120। ठीक है, 72 माइनस 66 कर लेते हैं तो 6 आएगा, 6 अपॉन में 120 घट सकता है 1/20, 1/20 क्या है, सी पार्ट है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ दिस एंड दिस एंड डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें, डिफरेंस बिटवीन अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, किसका डिफरेंस है, पहला जो डिजिट है ना, पहली हमारी है वो ये है सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस। तो पहले तो हमें ये सॉल्व करना है कि ये क्या है और ये क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन, ये सपोज ये ए है और ये है बी पार्ट, तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले ए निकालेंगे क्या है, जीरो, इनका सम करना है, तो ये क्या आ जाएगा 5.077, तो ये आ गया 5.077 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इसको माइनस करना है, 13.607 8.156 इसको माइनस कर दो, 1 5 आएगा और ये 5 − 1 बचा 4 और ये 5.451, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है अब हमें। ठीक है, तो 5.451 और 5.077 इसका डिफरेंस निकाल दो, माइनस कर दो। ठीक है, ये आएगा 4, ठीक है, ये 4 बचा 7 3, तो 0.374, तो 0.374 कहां पे है, बी पार्ट है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस ऑफ ट्विन प्राइम इज ऑलवेज, ट्विन प्राइम्स का डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्विन प्राइम्स मैंने पहले भी बताया था कि दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो है वो 2 होता है, तो ट्विन प्राइम्स के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर बिल्कुल टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं, तो जो आंसर आएगा उसका वो क्या आएगा, 1, हमेशा 1 होगा उनके बीच में आपस में, जैसे 5 और 6 है, 5 और 6 के बीच में क्या, कितने का गैप होगा, 1 का गैप होगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ अपने आप का इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ एडिशन, एडिशन का इनवर्स होता है, इनवर्स यानी उल्टा, इनवर्स ऑफ डिविजन, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि एडिशन का उल्टा होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। ऑल्सो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज @studywithjasmeet। थैंक यू।